ऑनर की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आ गया है दोस्तों। बहुत दिन बाद ऑनर अपना स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। ये है दोस्तों ऑनर X9B, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है दोस्तों। 20-25 हज़ार रुपये के रेंज में आया है ये स्मार्टफोन। नॉर्मल सा जो स्मार्टफोन होता है बाकी सारे कंपनी में, जो सब स्पेसिफिकेशन फीचर होता है वो तो दिया गया है, लेकिन उसके अलावा एक दो चीज़ ऐसा दिया गया है जो कि आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। बात करेंगे दोस्तों, उसी के बारे में बात करेंगे, एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये 20-25 हज़ार रुपए के रेंज में है, तो डेफिनेटली थोड़ा प्रीमियम डिजाइन तो होना चाहिए, क्योंकि जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है वो भी थोड़ा अच्छा डिजाइन लेकर आ रहा है। आज के टाइम में डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। यहां पे भी आपको वेगन लेदर डिजाइन देखने को मिलेगा। पीछे जो कैमरा का प्लेसमेंट है बीच में सर्कल जैसा है दोस्तों, रियलमी सीरीज से शायद कुछ इंस्पायर्ड हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा लगता है डिजाइन। अभी इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, जो कि इसका मेन USP है, वो है दोस्तों 6.78 इंचेस का 1.5K कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। रिजोल्यूशन भी अच्छा है, कर्व्ड डिस्प्ले है, साइज बड़ा है, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे आपको SGS के तरफ से 5-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ है दोस्तों। हाँ, ये एक स्विट्जरलैंड का SGS है जो कि इस फोन को सर्टिफाई किया है कि आप इसे जितना भी ऊपर से गिराएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं दोस्तों, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो फोन गिर जाता है ये उससे ब्रेक नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। हमारे पास तो ये फोन नहीं है इसलिए हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों मिस्टर अरुण प्रभुदेसाई जो ट्रैक एंड टेक चलाते हैं वो ड्रॉप टेस्ट किए हुए हैं, पूरे नीचे से लेके ऊपर 6-6.5 फीट से भी गिरा है फोन, कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद, तो डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छा दिया गया है, उसके अलावा अभी दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक नया चिपसेट स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 दिया गया है दोस्तों। 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसमें आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप कंपेयर करें तो ये डायमेंसिटी 7050 से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा और स्नैपड्रैगन 778G से थोड़ा कम परफॉर्मेंस देगा। इन दोनों के बीच में ये प्रोसेसर रहता है दोस्तों, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन जब हम OS के बारे में बात करें तो मैजिक OS 7.2 दिया गया है, जहां पे आपको Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है दोस्तों। अभी जो एंट्री लेवल का स्मार्टफोन आ रहा है, अभी अभी मोटो G04 आया है, वहां पे भी आपको Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। लेटेस्ट Android वर्जन रहना चाहिए दोस्तों, यहां पे Android 13 दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं, Android 14 होता तो अच्छा होता। और उसके अलावा 16GB का यहाँ पे आपको LPDDR4X RAM मिल जाता है और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फोन का डिसेंट ही निकल के आता है। आपको बहुत वाव नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से जितना परफॉर्मेंस रहना चाहिए इसमें दिया गया है दोस्तों। अभी आगे बढ़े कैमरा के तरफ, तो यहाँ पे आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि दावा करता है कि यहाँ पे आपको 3x लॉसलेस जूम मिल जाएगा, यानी कि आप अगर फोटो को जूम करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक फोटो पिक्सलेट नहीं आएगा, क्लियर आएगा। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हार्डवेयर बेस्ड नहीं है, तो डिसेंटली फोटो आने वाला है इस 108 मेगापिक्सल के कैमरा में। उसके साथ साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। और वीडियो के बारे में बात करें तो 4K वीडियो आप इसमें 30 FPS में शूट कर पाएंगे। रियर कैमरा में फ्रंट में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहां पे आप 1080p वीडियो 30 FPS में शूट कर पाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल कैमरा के बारे में बात, जो कि डिसेंट ही है दोस्तों। अभी इसके बैटरी के बारे में बात करें तो यहां पे एक एडिशनल चीज दिया गया है दोस्तों, बड़ा सा बैटरी है 5800 mAh का, लेकिन ये दावा करता है कि आप अगर एक बार चार्ज करेंगे तो ये 3 दिन तक लास्ट करेगा अपना बैटरी, और 3 साल तक बैटरी को कुछ नहीं होने वाला है, एंटी एजिंग बैटरी बोलता है उसे दोस्तों, तो जो कि अच्छी बात है दोस्तों। और ये जो 3 दिन वाला बैटरी लाइफ है वो अगर 2 दिन भी चल जाए ना तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अभी जो स्मार्टफोन सब आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन ही चलता है बैटरी, यहाँ पे 2 दिन भी चलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, ये सर्टिफाइड भी है दोस्तों, डॉक्सोमार्क का गोल्ड बैटरी लेवल से सर्टिफाइड है, तो ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे मेरे हिसाब से। और उसके अलावा यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है। फेस अनलॉक में भी एक अच्छा चीज़ दिया गया, अगर आप मास्क पहने हुए हैं तो भी आपके फेस को ये अच्छी
अच्छी तरह से डिटेक्ट करके अनलॉक हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, यूजफुल होने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पे एक मैजिक टेक्स्ट करके फीचर दिया गया है, जो कि अगर आप एक इमेज से कोई टेक्स्ट लेना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ईजी हो जाता है। इतने सारे चीज अच्छा अच्छा दिया गया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये फोन खरीदने से पहले याद रखिएगा, बॉक्स के अंदर आपको अडाप्टर नहीं मिल रहा है, चार्जिंग अडाप्टर आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, जिसका कीमत होगा 699 रुपीज। और अगर आप लॉन्च वीकेंड में ये खरीदते हैं स्मार्टफोन, तो उसके साथ आपको अडाप्टर फ्री मिलेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, टाइम बीत गया है, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है दोस्तों, अडाप्टर बॉक्स के अंदर देना चाहिए था। इतना ज्यादा कॉस्ट कटिंग क्यों, वहां 500-600 रुपए ज्यादा कर लेते स्मार्टफोन में, अडाप्टर दे देते तो अच्छा होता। तो अभी प्राइस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक ही वेरियंट आता है दोस्तों, 16GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट, जिसका कीमत है 25,999 रुपीज। तो अगर हम ओवरऑल वर्डिक्ट में जाए तो ये फोन अच्छा है। एक दो चीज जो एक्स्ट्रा दिया गया है दोस्तों, एंटी ड्रॉप वाला और एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, तो वो बहुत ही अच्छा चीज दिया गया है दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर हम इस दोनों चीज को साइड में रखें तो ये एक नॉर्मल सा ही स्मार्टफोन है। 25,000 रुपए के अंदर आपको इससे और अच्छा प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा, इससे अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही दिया गया है दोस्तों। वैल्यू फॉर मनी हम बोलेंगे, कुछ चीजें दिया गया है, कुछ चीजें नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 25,000 के अंदर ये बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप इसे खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, आपका कोई लॉस नहीं होगा, या फिर एक दो और स्मार्टफोन है, आप उसके तरफ भी जा सकते हैं। बाय द वे, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद अलग हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों, यही था ऑनर X9B के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज कीजिए, हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।